हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो बड़े फैसले दिल्ली सरकार के बताए। कल से दिल्ली के बॉर्डर्स खुलेंगे, यानी सभी राज्यों से बॉर्डर्स पे आवागमन खुलेगा। होटल बैंक्वेट हॉल्स को अभी नहीं खोला जाएगा। लेकिन जो बड़ा फैसला वो ये कि दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज होगा। जो केंद्र के अधीन है अस्पताल, उनमें पूरे देश का कोई भी नागरिक आकर उपचार करा सकता है। जो स्पेशलाइज हॉस्पिटल्स हैं, उनमें भी देश का कोई भी नागरिक आकर उपचार करा सकता है। और कैबिनेट ने गौर करके ये निर्णय लिया है कि हमें एक संतुलन बनाने की जरूरत है। दिल्ली सरकार में 10,000 बेड है, केंद्र सरकार में भी 10,000 बेड है। तो एक तरफ कल से हम बॉर्डर्स खोल देते हैं, बॉर्डर्स को खोलने के बाद दिल्ली सरकार के जो 10,000 दिल्ली सरकार के जो अस्पताल हैं, वो अस्पताल केवल दिल्ली के लोगों के लिए रिजर्व होने चाहिए। केंद्र सरकार के जो अस्पताल हैं, उसमें भी 10,000 बेड्स हैं, वहां पे कोई भी देश भर से आके अपना इलाज करा सके। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दो बड़े ऐलान, बॉर्डर्स खोले जाएंगे और दिल्ली के सरकारी प्राइवेट अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों का उपचार होगा। लेकिन हम आपको आंकड़ा दिखा देते हैं। अगर हम दिल्ली और देश का कंपैरिजन करें, जैसा कि मुख्यमंत्री भी कह रहे थे, 27,654 मरीज दिल्ली में है, 246,628 मरीज देश में। मौत के अगर आंकड़े की बात करें तो 761 लोगों की जान चली गई है देश की राजधानी दिल्ली में, 6,929 पूरे देश में। एक्टिव केसेस 58.5% पूरे देश की बात करें तो यह आंकड़ा 49% है। रिकवरी रेट 38.5% है देश में, रिकवरी रेट ज्यादा है दिल्ली के रिकवरी रेट से 48%। डेथ रेट 2.75% है, लेकिन देश के आंकड़े की अगर हम बात करें तो डेथ रेट 2.81% है। अंजलि सिंह हमारी सहयोगी हमसे जुड़ रही हैं। अंजलि, चिंता बहुत वाजिब है और जैसा कि दिल्ली सरकार लगातार कह भी रही थी कि ये दिल्ली के टैक्सपेयर्स से बनाए हुए अस्पताल हैं, इसलिए दिल्ली वालों का उपचार इसमें होना चाहिए। विपक्ष चाहे जमकर निशाना साधे, लेकिन दिल्ली के लोग जरूर खुश होंगे सरकार के इस फैसले से। जी देखिए, बिल्कुल, फैसले की वजह भी यही है क्योंकि दिल्ली के, जैसा आपने अभी आंकड़े बताए, तो पिछले एक महीने में काफी चिंताजनक आंकड़े रहे हैं और तेजी से बढ़े हैं आंकड़े। अकेले मई के महीने में 10,000 से ज्यादा केसेस सिर्फ एक महीने में ही आ गए, तो आप ये देखिए 27,000 के पार चला गया है ये आंकड़ा। तो अब सरकार को चिंता करने की जरूरत भी है और जैसा मुख्यमंत्री ने बताया कि 10,000 बेड दिल्ली सरकार के हैं, यहां पर मौजूद हैं, और अगर कमेटी की रिपोर्ट पर जाएं तो 15,000 बेड की आवश्यकता पड़ सकती है अगर इसी ग्रोथ रेट से केसेस बढ़ते रहे तो। उसको देखते हुए ये फैसला बेहद अहम हो जाता है। अब इसमें राजनीतिक जो दांवपेच है वो एक अलग बात है। कल भी जब मुख्यमंत्री सामने आए थे तो उन्होंने कहा था कुछ प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी सामने आ रही है, जिसको लेकर काफी सख्त लहजे में उन्होंने अपनी बात रखी थी कि हम ये मनमानी नहीं चलने देंगे। एक प्राइवेट अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है अब तक। तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं अब जैसे जैसे दिल्ली में ये मामले बढ़ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं, तो सरकार की चिंता ये वाजिब है। अब उसमें अगर कोई विपक्ष सवाल भी उठाता है या कहता है तो शायद इसी चीज को बैलेंस को मेंटेन करने की कोशिश की गई है कि आप केंद्र के सभी तालमेल बनाना बहुत जरूरी होगा और ये शायद दिल्ली वालों के हक में फैसला दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लिया है।